गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द अदर यूजेज ऑफ द. टुडे वी विल स्टार्ट विद 11th यूज ऑफ द. 11th यूज इज बिफोर प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड. आप लोगों को नोट्स में लिखवा दिया था. बिफोर प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल नोन वेल रिनोन्ड प्रॉपर नाउन दैट एक्ट्स एज अ कॉमन नाउन. ठीक है, एक ऐसा प्रॉपर नाउन जो कि दूसरे प्रॉपर नाउन से कंपेयर किया जा रहा है, और वो जो दूसरा प्रॉपर नाउन है, वेल रिनोन्ड प्रॉपर नाउन है, वो उस सेंटेंस में एक कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए. क्योंकि हम ये पहले रूल पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन से पहले हम द यूज नहीं करते हैं. इसमें दो प्रॉपर नाउन आएंगे, जो कि सेकेंड वाला जिसको हम जिस एक को जिससे कंपेयर कर रहे हैं, सेकेंड वाला जो प्रॉपर नाउन आएगा वो उस सेंटेंस में एक कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए उससे पहले द आएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर कालिदास प्रॉपर नाउन है, मेरा प्रॉपर नाउन, क्लियर. शेक्सपियर फेमस राइटर है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले हम द यूज़ नहीं कर सकते. ये हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था यूज़ ऑफ द में. बट यहाँ पर जब ये शेक्सपियर आया है तो यहाँ पर ये एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है सेंटेंस में, क्योंकि कालिदास को हम कंपेयर कर रहे हैं इससे. तो यहाँ पर ये एक कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इससे पहले द आ गया. क्लियर. जब एक सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन आ रहे हैं, एक प्रॉपर नाउन को दूसरे वेल रिनोन्ड प्रॉपर नाउन, मतलब प्रसिद्ध जाना पहचाना नाम है वो भी, उससे जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तब वहाँ पर जो सेकेंड प्रॉपर नाउन होता है वो एक कॉमन नाउन की तरह एक्ट करता है और उससे पहले द आता है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट यूज इज नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब बिफोर नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनैलिटी. उसके बाद आएगा आपका नेम्स ऑफ शिप, एरोप्लेन, ट्रेन, ये सब था. इससे पहले भी द आएगा. शिप नेम आ जाए, एरोप्लेन नेम आ जाए, ट्रेन नेम आ जाए, कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी नेम आ जाए, मतलब धार्मिक समुदाय के कोई नाम आ जाए, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, और एग्जांपल में इन नेशनैलिटी आ जाए, नेशनैलिटी में इंडियन आ गया, अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, वहाँ उससे पहले द यूज़ करते हैं. क्लियर. कास्ट आ जाए, हिंदू मुस्लिम वाली, वहाँ पर आ जाए. ट्रेन का नाम आ जाए, द शताब्दी एक्सप्रेस, एरोप्लेन नेम आ जाए. ठीक है, तो वहाँ पर भी हम उससे पहले द यूज़ करते हैं. नेक्स्ट रूल 13, प्लूरल सरनेम फॉर एंटायर फैमिली. बिफोर प्लूरल सरनेम, सरनेम होता है ना, शर्मा हैं, अग्रवाल हैं, ठीक है, तो इनसे पहले भी जो है द आता है. और वो भी किस कब आता है, जब वो पूरी एंटायर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पूरी फैमिली के लिए जा, तो लास्ट में उनसे लास्ट में जो है उनमें एस लग जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है द शर्माज, अब शर्मा में एस लगा दिया है हमने, द शर्माज बोला गया है और उससे पहले फिर द आ गया है. तो ये क्या है, पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी शर्मा फैमिली के लिए बोला जा रहा है. तब वहाँ पे दो चीज हो जाती हैं, चेंजेस होते हैं, एक तो शर्मा में एस लग गया, अग्रवाल आ गया तो अग्रवाल्स एस आ जाएगा और उससे पहले द लग जाएगा. और द लगने का मीन्स क्या हो रहा है कि ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है. क्लियर. नेक्स्ट 14th रूल, बिफोर डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. जो हमारे राष्ट्रीय इम्पॉर्टेंस की जो डेट्स होती हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो ये इनमें क्या होता है, इनसे पहले भी द लगता है. द 15th अगस्त, द रिपब्लिक डे, ठीक है, ये जो नेशनल इम्पॉर्टेंस की जो डेट होती हैं, जितनी भी हम पढ़ते हैं, उनसे पहले भी द लगता है. क्लियर. इनफ फॉर टुडे. रिवाइज एंड लर्न ऑल द यूजेज.